ओके बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? जैसे मान लीजिए आप कि एक प्लेट ये है कैपेसिटर की और एक कैपेसिटर की ये प्लेट है, ठीक है ना। बहुत थीन होती है तो मैं अब थिकनेस नहीं बना रहा, अंडरस्टूड है ये, ठीक है ना, कि थीन है। ये क्यू है, ये माइनस क्यू है बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसका प्लेट एरिया कितना है ए, इसका भी एरिया कितना है ए, आइडेंटिकल है दोनों, ठीक है ना। अपने को बताना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो आप सब जानते हैं कि आउटर सर्फेसिस पे चार्ज जीरो है और ये सारा का सारा चार्ज इनर सर्फेसिस पे है, ठीक है, ये बात आप सब जानते हैं। सारा का सारा चार्ज कहाँ है? इनर सर्फेसिस पे, सिग्मा है प्लस का और ये माइनस का सिग्मा है। बोलो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? अब आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हम पढ़ चुके हैं ऐसा, कहाँ पढ़ा है हमने ऐसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बोलो सही है। अब एक बात बताओ, ई क्या है? फिक्स है, यूनिफॉर्म है? ई यूनिफॉर्म है ना, कितना है यूनिफॉर्म है? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, इसकी वजह से ई वन इधर, इसकी वजह से ई टू इधर, और दोनों की वजह से ई वन प्लस ई टू मिला के ई, और अपने आप में ई वन और ई टू बराबर, और कितना? सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट। सही बात, सब जानते हैं। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूँ इसको मैं। वॉल्यूम कितना होगा? सेपरेशन कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में? दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है डी, कितना सेपरेशन है डी, तो वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू डी में एनर्जी है। तो एनर्जी है कितनी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इंटू डी, सही है। ई कितना है? ई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए डी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, यू आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एडी। और ध्यान से सुनो, सिग्मा, सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, तो लिख दो क्यू स्केयर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए स्केयर इंटू एडी, ए से ए कट गया, तो क्यू स्केयर डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं सकते हो इसको आप? तो एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो फिर, इसका मतलब क्यू स्केयर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बोलो, एंड एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज व्हाट? सी, तो लिख सकते हो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। बोलो सही है कि नहीं है? अगर मान लो क्यू माइनस क्यू की वजह से वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कितना आएगा? क्यू की जगह सी वी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? यू आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी सी स्केयर वी स्केयर अपॉन टू सी, दैट मीन्स सी वी स्केयर बाई टू, दैट मीन्स वॉट? सी वी स्केयर बाई टू। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी क्यू स्केयर अपॉन टू सी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरी सी वी स्केयर अपॉन टू, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को वैसे ही बना सकते हो क्यू और वी की फॉर्म में, क्यू और वी की फॉर्म में, तो सी की जगह सकते हो, यू आ गया क्यू स्केयर अपॉन टू सी की जगह ले सकते हो क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टू, ये भी आ जाएगी इस फॉर्म में लिख लो चाहे आप, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में टू, ये वॉल्यूम है, ये वाला वी वॉल्यूम है, ठीक है ना, और वो वाला वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आई मेरी बात? बोलो, ये तो हुआ मेथड वन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, एनर्जी कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर जो है उसको निकालने का एक मेथड हुआ ये। एक मेथड और बताता हूँ, लेट अस टेक वन मोर मेथड, एक मेथड और बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये तो आसान सा मेथड आप सब जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं आप ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ठीक है ना, ऐसे वाला मेथड तो आप पढ़ चुके हैं सेम। अब मैं एक मेथड आपको बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। हुआ क्या, बेसिकली ये दो प्लेट्स थी, ये दो क्या थी? प्लेट्स। ढंग से सुनना, मजा आएगा आपको और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। और उस जो नया मेथड है वो तो सिर्फ एक मिनट का है, बस एक मिनट में आप एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है। अभी समझाता हूँ आपको मैं,
फॉर्म्स तो आप बना ही लोगे, एक बार एनर्जी आ गई तो सिंपल कन्वर्ट तो कर ही लोगे, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात सुनो, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, अगर मैं इनको फ्री कर दूं तो ये दोनों प्लेट चिपक जाएंगी कि नहीं चिपक जाएंगी, ये क्यू और ये माइनस क्यू, ढंग से देखो, अगर मैं इनको फ्री कर दूं तो ये दोनों प्लेट चिपक जाएंगी। तो मैंने क्या किया, ये दो प्लेट्स थी, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, बिल्कुल पास है, अब इनको मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, यहाँ तक ले आया, तो जितना भी मैंने इसको खोलने में वर्क किया और उसको पकड़ के रखा यहाँ पर, वही तो एनर्जी स्टोर हुई इसके कैपेसिटर के बीच में, वही तो एनर्जी स्टोर हुई कि नहीं हुई, तो वर्क कितना किया मैंने, तो मैंने क्या करा, इसको क्यू करा, इसको माइनस क्यू करा, और किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, और फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है इस प्लेट के ऊपर, बोलो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, दैट इज फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, तो कितनी आ जाएगी, फोर्स एक्सटर्नल इसी के बराबर का, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, दैट मीन्स क्वेश्चन इज ओवर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एंड दैट इज व्हाट, सी, तो व्हाट, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, अगेन कन्वर्जन कर दो, सी वी स्क्वायर बाय टू या फिर क्यू वी बाय टू, समझ में आई, तो दिस इज व्हाट मेथड टू, दिस इज व्हाट मेथड टू, कि जो भी दो प्लेट्स को सेपरेट करने में वर्क लगा और उसको सेपरेट करके रख रखा है हमने, पकड़ रखा है, तो जितना मैंने वर्क करा वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, वो किसके रूप में स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है इन प्लेट्स के बीच में, सही बात है। क्वेश्चन आसान था, टॉपिक आसान था, हमें अच्छे से समझ में आया।